लखनऊ, रायबली, उन्नाव तीन जनपदों से सटा हुआ है बाबा भंवरेश्वर जी का मंदिर। और आज के इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराने वाले हैं बाबा भंवरेश्वर धाम के। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन चौरसिया और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। अगर हम मंदिर के इतिहास की बात करें तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले विशाल जंगल था, जहाँ गांव से जानवर चरने के लिए आते थे, जहाँ एक खास स्थान पर गाय के आने पर उसका सारा दूध स्वतः निकलने लगता था। चरवाहे जब शाम को दूध दुहते थे तो उन्हें कुछ नहीं मिलता था। इस पर चरवाहों ने खोजबीन चालू की तो उन्हें पूरी जानकारी हुई। चर्चा अंग्रेजों के कान तक पहुँची तो उन्होंने क्षेत्र विशेष को खुदवाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे श्रमिक खोदते जाते थे, पत्थर का आकार बड़ा होता चला जा रहा था। उन्होंने बताया कि एक बार फावड़ा की चोट पत्थर के ऊपर जोर से पड़ गया, जिससे पत्थर से खून की धार निकलने लगी। इस पर भी अंग्रेजों ने कोई तवज्जो नहीं दिया और खुदाई लगातार जारी रखी। जैसे जैसे खुदाई आगे चलती, पत्थर का आकार बड़ा होता जा रहा था। इसी प्रकार खुदाई के दौरान फावड़ा की एक चोट पर दूध निकला। पहली बार खून, दूसरी बार दूध और अंत में निकले भौंरे। अदृश्य शक्ति की तरफ से लगातार मिल रहे इशारों को अंग्रेजों ने समझने से इनकार किया और खुदाई का कार्य नहीं रुकवाया। तब जाकर बड़ी संख्या में भंवरे निकले और खुदाई करने वाले श्रमिकों पर हमला हो गया, जिसके बाद अंग्रेज और खुदाई करने वाले मौके से निकल भागे। इसके बाद ग्रामीणों ने शिवलिंग समझकर उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी और छोटी छोटी मठिया बना दी। उन्होंने बताया कि काफ़ी समय बाद सुदौली के राजा रामपाल की धर्मपत्नी ने यहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, परंतु शिवलिंग पूरा नहीं निकल पाया था। आज भी आधे शिवलिंग के ही भक्तों द्वारा जल से किया प्रसाद की दुकानें भी लगाई जाती हैं, जहाँ पर बेल पत्ता धतूरा आदि भोले को पसंद आने वाली लगभग सभी प्रसाद सामग्री मिलती है। हिलौली विकास खंड में स्थित भंवरेश्वर मंदिर लखनऊ, रायबली और उन्नाव से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। उन्नाव मुख्यालय से भंवरेश्वर शिवालय की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है। लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भल्ला फार्म से कांधा, अशोका, कालूखेड़ा होते हुए असरेंदा स्थित भंवरेश्वर पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार रायबली से भंवरेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 47 किलोमीटर है, जहां से गंगागंज, हरचनपुर, बछावां होते हुए भोले बाबा के मंदिर भंवरेश्वर शिवालय तक पहुंचा जा सकता है। जबकि लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से भंवरेश्वर मंदिर की दूरी 42 किलोमीटर है। मार्ग पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थानों पर मोहनलालगंज, उदयपुर, निगोहा आदि शामिल हैं।